नमस्कार दोस्तों, जब भी हमारे पेट में दर्द होता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और मल के साथ खून और म्यूकसा आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने, और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो पहले इस शब्द का मतलब जान लेते हैं, क्या मतलब रहता है, जिससे कि आप पूरी जो डिजीज़ रहती है उसको अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव यानी कि अल्सर, यानी कि घाव, यानी कि छाले। दूसरा शब्द रहता है कोलाइटिस, तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कोलाई यानी कि कलोन, कलोनी यानी कि बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे घाव हो जाते हैं, यानी कि छाले हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे पेट में यानी कि हमारी आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, लंबे समय तक ये कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसी कंडीशन को जो हम कहते हैं IBD, यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। तो उसी के अंतर्गत जो है UC आता है, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस उसके अंदर ही आता है, यानी कि उसके अंडर आता है। और दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस ना ही एक या दो दिन में हमें क्रिएट होता है और ना ही एक दो दिन में ठीक होता है। ये लंबे समय तक चलने वाली यानी कि क्रोनिक डिजीज़ रहती है, यानी काफ़ी धीरे धीरे हमारे शरीर में क्रिएट होती है, हमारी आंतों में यानी कि बड़ी आंत में क्रिएट होती है। दोस्तों, जो हमारी बड़ी आंत रहती है, वहाँ पर पहले इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, फिर धीरे धीरे वहाँ पर रेडनेस, ऐसे फिर वहाँ पर घाव होना शुरू हो जाती है, यानी कि वहाँ पर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जो कि बड़ी आंत में देखे जाते हैं। जैसे अपने मुंह में देखेंगे छाले पड़ जाते हैं, उसी तरह के छाले हमारी बड़ी आंत में देखने को मिलते हैं। तो पहले इन्फ्लामेशन होती है, फिर धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन बढ़ती जाती है, फिर वहाँ पे रेडनेस आती है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे घाव होना शुरू हो जाता है, अल्सर बनना शुरू हो जाता है। उसी कंडीशन को हम UC कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इसके कारण की तरफ, कि क्या कारण रहते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है अभी तक अननोन है, यानी कि ज्ञात नहीं है, बट इसके कुछ फैक्टर माने जाते हैं, जो कि कुछ इसके कारण माने जाते हैं, बट एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं। तो पहला रहता है जेनेटिक, अगर आपके मम्मी पापा को ये समस्या रहती है तो आपको ये समस्या देखी जा सकती है। दूसरा, इसका जो फैक्टर रहता है वो रहता है इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने की शक्ति रहती है वो अपडाउन हो जाती है, तो उसके कारण समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद रहता है बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शन किसी भी तरह का क्रिएट हो जाता है हमारे शरीर में, या बाहर से आता है या इंटरनली क्रिएट होता है, उसके कारण देखने को मिलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो भी अगर अपडाउन हो जाते तो उसके कारण भी समस्या देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा जो डाइट, अगर हमारा जो डाइट अपडाउन रहता है, स्पाइसी जंक फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं एक्सेस में, तो उसके कारण देखने को मिल सकती है। उसके बाद मेडिसिन हो गए, हम मेडिसिन खाते हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी लंबे समय से खाते आ रहे हैं, तो उसके कारण भी समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन फैक्टर देखने को मिलते हैं, बट एग्जैक्ट कॉज है इसका अभी तक अननोन है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन के अंदर ये समस्या क्रिएट हो जाए तो सबसे पहले रहती है डायरिया, यानी कि दस्त की समस्या देखने को मिलती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको जो है दस्त होते रहते, और दस्त थोड़ा पतला होता है, और जब दस्त करते यानी कि फ्रेश होने जाते हैं तो मल के साथ खून भी आता है, खून जो है लाल कलर का या काले रंग का हो सकता है, और वो जो है मिक्स होके आएगा स्टूल के साथ यानी कि मल के साथ। जो मल का कलर होगा वो या तो हल्का लाल होगा या काले कलर का हो सकता है, और साथ में वहाँ पे वाइट कलर का म्यूकस यानी मवाद टाइप भी हो सकता है, उसके साथ लारे टाइप आ सकते हैं। उसके बाद पेट में दर्द, पेट में दर्द रहेगी, और जब भी आप खाना खाएंगे इससे डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में कंटिन्यूसली हल्की हल्की दर्द रहती रहेगी, और आपका जो पेट में है मरोड़ टाइप जो पेन होता रहेगा, आपका वेट लॉस होता रहेगा, यानी कि आपका वजन जो है धीरे धीरे कम होता रहेगा, कमजोरी महसूस होगी, जैसे कि ब्लड आ रहा है साथ साथ तो HB में कमी यानी कि हीमोग्लोबिन में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर ये कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि ब्लड निकल रहा है तो HB में कमी देखने को मिल सकती है, कमजोरी हो सकती है, साथ में पेट में दर्द देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर ये कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमें इस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है मर्क कोर, तो सभी मेडिसिन की पिक्चर में आपको यहाँ पर लगाता रहूँगा। मर्क कोर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि आपको यूज़ करनी है 30 potency में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में। जब भी पर्सन की समस्या क्रिएट हो जाती है, जब भी वो मल त्यागने जाते हैं तो उनको जो ब्लीडिंग होती है, साथ में म्यूकस भी आता है, पेट में दर्द रहती है, जितने भी सिम्टम देखने को मिलते हैं यूसी में अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो इस मेडिसिन के साथ मैच करते हैं। तो मेडिसिन का पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। 30 potency में 3-4 बूंदें टकली टंग पे लेनी है, सुबह दोपहर शाम को दिन में 3 बार यूज़ करें, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स भूमिका, तो नक्स भूमिका के बारे में आप सभी जानते हैं कि ओवरऑल जो भी
समस्या रहती है, पेट से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, यूसी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसको अपने 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे सिर्फ रात को ही यूज़ करना है, रात को सोते समय 3-4 बूंदे डायरेक्टली टंग पे लेनी है। तो इसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। दोस्तों तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। इसमें अपने जो 4 मेडिसिन यूज़ करनी है, पहली मेडिसिन रहेगी कैलेंडुला, अजाडी रेक्टर, इचनेशिया, मदर टिंचर को मिक्स करना जो कि आप जानते हैं, और साथ में इसमें एक मेडिसिन आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। ये चारों मेडिसिन को आपने मिक्स करना बराबर मात्रा में। चारों मेडिसिन की पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। चारों मदर टिंचर को मिक्स करके आपने एक कांच की खाली बोतल में मिक्स कर लेना, फिर उसमें से 15 से 20 बूंदे 1/2 कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जो भी इन्फेक्शन रहता है उसको दूर करने में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसके ऊपर जो 3 मेडिसिन बताई पहले बार, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अपने हाइड्रास्टिस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है इस कंडीशन, तो इसको जरूर ऐड करें। साथ में जो कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, जहाँ पे भी इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर रहती है, वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है इन्फेक्शन को दूर करने में, और जो बोबल मूवमेंट रहते हैं उनको अच्छे इंप्रूव करने में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आपने दिन में 3 बार यूज़ करना। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोसिंथ मदर टिंचर। इसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, मरोड़ पड़ती है, और एक्सेस में अगर आपको ये समस्या क्रिएट है यूसी की, और साथ में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ रहा है, पेट में दर्द कंटिन्यूसली आपको लग रहा है, आप उसको सहन नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और आप बार बार उसको प्रेस करते आगे बेंड करते तब जाके आपको हल्का सा आराम होता है, उस कंडीशन बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसको आपने यूज़ करना 15 से 20 बूंदे 1/2 कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपको दिखाई देगी रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन, तो उसको दबाना ना भूलें। साथ में आपको दिखाई देगी बेल की आइकन, तो उसको भी दबाना ना भूलें। इससे होगा जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।